तो गाइस आज हम लोग अवतार 2 के पोस्टर को रिक्रिएट करेंगे और सीधे सीधे कहें तो हम उसके बैकग्राउंड को रिक्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स तो आई गेस रहने ही देने चाहिए क्योंकि बेकार ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व कर लेने के बाद हमें ये पता चला है कि हमें इमेजेस चाहिए डे स्काई की, नाइट स्काई की, क्लाउड्स, सी, माउंटेन और मेन प्लैनेट जो मुझे जुपिटर की तरह लग रहा है उसकी भी। फिर हेज तो खूब है ही एनवायरनमेंट में और ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा डार्क भी है। अब हम सबसे पहले एक बेस क्रिएट कर लेंगे जिस पर हम काम कर सकें। तो यहाँ हम सी की इमेज, स्काई इमेजेस, क्लाउड्स इमेजेस सभी को आपस में ला के मर्ज करके अपनी जगह पर रख देंगे ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता चल जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ें हमें करनी है। इसके बाद हम अपने सी का कलर मैच करने वाले हैं क्योंकि हमारा सी काफ़ी ब्राइट है और पोस्टर में जो सी है वो काफ़ी डार्क है। हमारा सी सियान से भरा हुआ है, वहीं पोस्टर का जो सी है वो काफ़ी डार्क ब्लू और मैजेंटा है उसमें काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हम लोग उसमें हाइलाइट्स ऐड करेंगे क्योंकि पीछे सूरज है तो सी के ऊपर ऑब्वियसली काफ़ी सारी हाइलाइट्स हैं। हमारा सी उनके सी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसके लिए हमारी हाइलाइट्स काफ़ी क्रिस्प दिखाई दे रही हैं। अगर वैसा ही स्मूथ सी हमारा भी होता तो हमारी भी हाइलाइट्स उनकी तरह ही काफ़ी स्मूथ दिखाई देती। और फिर हम यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा ग्लो ऐड कर देंगे सारी इमेज को साथ में लाने के लिए। उसके बाद जो भी माउंटेन्स की इमेजेस मैंने निकाली थी इन्हीं को देख के निकाली थी, काफ़ी सिमिलर मिल गई और काफ़ी नहीं भी मिली हैं, तो उनको हम सिंपली साइज के अनुसार सिर्फ प्लेस कर देंगे उनकी जगह पर। अब यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल मेथड जो कि कलर ओवरले है उससे मैंने सभी माउंटेन्स को इमेज में ब्लेंड किया है, अलग अलग लेयर जो है हमारी माउंटेन्स की उन पे अलग अलग कलर का ओवरले ऐड किया है, अलग अलग क्वांटिटी में ऐड किया है, जिसकी वजह से एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है आगे और पीछे, यानी डेप्थ क्रिएट हो रही है। और एक बार ये काम हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे हेज की लेयर्स ऐड करी हैं, हेज क्रिएट किया है अलग अलग कलर अलग अलग क्वांटिटी में ताकि सब माउंटेन्स के बीच में एक सेपरेशन दिखाई दे। अब ये आप नॉर्मल ब्रश से भी कर सकते हैं जैसे मैंने यूज़ किया है, और अगर आप चाहें तो हेज वाला जो ब्रश होता है जो मिस्ट और फॉग क्रिएट करते टाइम यूज़ करते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब जब इतना काम हो गया है तो हमारी इमेज एक लगने लगी है। अब हमें बस थोड़े बहुत एडजस्टमेंट इधर उधर करने हैं, जैसे सी में मैं यहाँ पे और थोड़ी सी हाइलाइट्स ऐड कर रहा हूँ साइड में। अब हम सिर्फ पोस्टर को देख रहे हैं और अपने इमेज को थोड़ा सा उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। और ये हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे जुपिटर ऐड कर लिया है। अब वो बहुत ही सिंपल मेथड है तो उसको मैं तेजी से निकाल दे रहा हूँ, लेकिन आप देख के समझ सकते हैं कि क्या किया है उसमें। कुछ नहीं, हाइलाइट्स ऐड करी हैं, जगह जगह से मास्किंग किया है, सिंपल है, बहुत ईजी। आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दीजिए। कहो कल तुम्हारी एडोब में नौकरी ही लग जाए। और एक बार प्लैनेट का काम हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने स्पार्कल वाले ब्रशेस से पेंट किया है ताकि एक वाटर स्प्लैश का इफेक्ट क्रिएट हो जाए सी में। और मुझे इन दोनों माउंटेन्स या रॉक्स में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था तो इनको मैं सी के लेयर के ऊपर ले आया हूँ और उनको अब मर्ज कर रहा हूँ थोड़ा, जैसे कि वो सी के ऊपर हों बजाय पीछे होने के। वही है, थोड़ी सी हाइलाइट्स ऐड करनी है, थोड़ा जो ड्रॉपलेट्स हमारे आगे आ गए थे उनको अब हटा देना है, थोड़े कम कर देना है, और थोड़ा सा और फॉग और हेज ऐड करनी है। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर हेज का जो ब्रश होता है उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो फ्रंट मेन माउंटेन्स हैं उनमें थोड़ी सी शेडो ऐड करी है और अब उसमें मैं
हाइलाइट्स भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली सन को फेस कर रहे हैं तो उनमें हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। उसके लिए मैंने बहुत बेसिक सा फंडा यूज़ किया है, नई लेयर बनाई, वाइट से पेंट किया, ब्लेंडर से उनको कम किया और उनका ब्लेंड मोड चेंज किया है, और जहाँ जहाँ नहीं चाहिए उसके बाद उसको हम मास्क भी कर देंगे, फ्लो को कम रख के जहाँ कम हाइलाइट्स चाहिए, फ्लो को ज़्यादा रख के जहाँ बिल्कुल हाइलाइट्स नहीं चाहिए। और इसी तरह मैंने बाकियों पे भी थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया है। और अब हम बना लेंगे फाइनली हमारे चांद, जो कि मैं डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर बना रहा हूँ, पोस्टर के ऊपर, क्योंकि सेम साइज ही मिल जाएगा, उसकी डिटेलिंग भी नहीं है उसके ऊपर। और अगर आपको और भी किसी मूवी पोस्टर का रिक्रिएशन देखना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम ट्राई करेंगे कि उस पर भी वीडियो ज़रूर आए। और हमारी फाइनल इमेज जो निकल के आई है वो है ये नहीं कहूँगा कि एकदम सेम है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सेम है ये। और तब तक के लिए अगर आपको हाइलाइट्स बनानी सीखनी है तो आप हमारा ये लेफ्ट वाला वीडियो ज़रूर से चेकआउट करिए।